ये भाई जीप आ गई है ठीक है सामान भाई, को लेने के लिए, ताकि अपन सामान लेके नीचे चलो भाई, पहुँचें। एंजॉय बाद में और करते अभी हैं। हमने चलो लोकल भाई, फोक म्यूज़िक सुना, इन्होंने बजाया था। मिलते लगभग वाइंड अप हो गया सारा सामान फाइनल, बस टेंट को फोल्ड कर रहे हैं, बाकी सामान अपन ने जीप में डाल दिया पूरा। हम नीचे जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे भाई। ये भाई निकल गए अपन फाइनल सब सामान समेट के। ये कौन सी गाड़ी? गाड़ी सामने खड़ी है, वहाँ से तुम समेट के और यहाँ आ गए थे। नासिर भाई का रिजॉर्ट है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इनका डेजर्ट ड्रॉप रिजॉर्ट सम में। यहाँ आ गए थे, यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए व्यवस्था कर दी थी नहाने की, ब्रेकफास्ट की सारी। मतलब इनकी व्यवस्थाओं में तो अपने को ये लगा लो कि पूरा ट्रिप का जो मज़ा है ना, वो सारा मज़ा जो इन्होंने नासिर भाई ने अरेंजमेंट किया ना, उसी की वजह से रहा। ये इनका जीप सफारी का वो लगा रखा है। ये है भाई पूरा रिजॉर्ट, इसमें अपने टेंट्स हैं। चलो मैं नासिर भाई से एक बार पूछता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ वो यहाँ अपने को देते हैं। ये आप देखो सामने पूरे लग्जरी टेंट्स, बीच में शाम को जो डांस का प्रोग्राम होता है, लोकल फोक म्यूज़िक और सब बैठ के जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बीच में बना रखा है। और बाकी इधर ये कैफेटेरिया डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे खाने की जो अपनी व्यवस्था है वो यहाँ थी। और नासिर भाई आ रहे? अच्छा, तो भाई अपने यहाँ जो टेंट्स हैं वो कितने टेंट्स हैं टोटल? यहाँ पे सर 25 टेंट हैं। अच्छा, रॉयल सूट, लग्जरी सूट। अच्छा, इसमें इवनिंग को जीप सफारी, कैमल सफारी, ट्रेडिशनल वेलकम, हाँ, इवनिंग टी, कॉफी, स्नैक्स, कल्चरल शो, डिनर, नाइट हाँ, स्टे, मॉर्निंग टी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ये पूरा अपना डेजर्ट का पैकेज रहता है। ठीक है, तो आपके जो दो कैटेगरी के आपने टेंट्स बताए हैं, जी सर, तो मतलब उसको अपन बाहर से थोड़ी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अंदर से ही पता चलेगा ना, दो अंदर से दो अलग अंदर अलग। से उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है वो, अच्छा फ्रिज, एसी, हीटर, अच्छा जैकुजी, पूरा शावर, अच्छा शावर पैनल वगैरह, अच्छा जो जिसमें हम हैं वो आपका लग्जरी वाला है, लग्जरी सूट, वो लग्जरी सूट है। ठीक है ठीक है। और ये लैंड कितनी है जिसमें आपका ये बना हुआ पूरा? ये टोटल 10 बीघे में बना हुआ, 10 बीघा में बना हुआ। बहुत बढ़िया, मतलब हमारे को तो बहुत बढ़िया मज़ा आया, एक नंबर एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू, चलो ठीक है भाई, थैंक यू थैंक थैंक यू। ये है नासिर भाई का डेजर्ट ड्रॉप रिजॉर्ट, बहुत बढ़िया शानदार प्रॉपर्टी बना रखी है। यहाँ अपन पहुँच गए और अभी आपको दिखाते हैं आगे रॉयल टेंट्स। ऐसे मत करो यार, ये बढ़िया लग्जरी डबल बेड किंग साइज, और साथ में एक एडिशनल अपने सोफा कम बेड है, चेयर्स हैं, एसी, और ये देखो सब एंटीक फर्नीचर। टेंट की शोभा बढ़ा दी पूरी ये अलमीरा, और ये देखें। और सबसे मेन जो है ना इसमें जो प्लस पॉइंट, बेसिकली वो दिक्कत आती थी कि वॉशरूम्स जो पीछे कच्चे रहते थे टेंट्स में, तो फैमिली को थोड़ा सा इशू रहता था। एकदम पक्के फर्स्ट क्लास लग्जरी वाले, 5 स्टार वाले वॉशरूम, बाथ पैनल लगा हुआ है, हेयर ड्रायर, 5 स्टार वॉशरूम है। ये देखो भाई साहब, ये चल रहा है यहाँ पे अपने, है ना, इस चक्कर में बज गए 12। हेलो, और ब्लॉगिंग चल रही है मेरी। हाँ बिल्कुल जी, आपकी ब्लॉग, इट्स अ पिक्चर ब्लॉग। तो अभी अपन जा रहे हैं
ब्रेकफास्ट कम लंच करेंगे, मतलब एक ही बार खा के निकलेंगे ताकि रास्ते में दोबारा रुकना ना पड़े। अरे वाह डॉक्टर साहब, आप भी अच्छी आएगी। अजय आ गई नहीं आई? अच्छी नहीं नहीं अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, रह रही है। मेरी तो आई नहीं है, एक भी नहीं आई भाई। 500 फोटो खींच ली कुल मिला के, फिर भी सबकी रह गई अभी। चलो नासिर भाई के साथ सबकी लेंगे फोटो, तो एक बार लेंगे नासिर भाई की व्यवस्थाओं के लिए। भाई सबकी तरफ से मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, और इतनी व्यवस्था बढ़िया थी कि मजा आ गया। ये टूर सारा जो एक नंबर है ना, नासिर भाई की वजह से। वेरी गुड। मुझे भाई सुनसान रोड, रोड पे आदमी ना आदमी की जात, कोई बात नहीं, गाय तो हमारी माता, और साथ में लोकल फोक म्यूजिक, क्या कॉम्बिनेशन। और ये भाई कहाँ झूलते हुए चल रहे हैं हाईवे पे, मट्टी का गोल, माटी का नहीं मट्टी का गोल, मट्टी का गोल। आगे आगे को तली घोड़ी लो, सो गए हैं, बाकी हम लोग कर रहे हैं एंजॉय। अच्छा शादी का, दूल्हे की एंट्री हो रही है। अच्छा, और दूल्हे की एंट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आंगनिये में आप पधारो बिंद राजा, मतलब उनका वेलकम वेलकम कर रहे हैं, दूल्हे का वेलकम कर रहे हैं। ओके, अपन कहाँ आए अभी? महावार, महावार ड्यून्स में आया ना, बाड़मेर। ड्यून्स तो क्या खैर छोटे से ही हैं, लेकिन ठीक है, धर्मेंद्र बना काम से गए हैं तो हमने सोचा टाइम पास तो करना ही है। कबाड़ी के पास हो जाए कुछ सामान, ऐसा खास समझ आया नहीं था। जोधपुर जाएंगे, जोधपुर वाले के पास जिप्सी विप्सी जो भी हैं वो देखेंगे, अभी यहाँ पर तो नहीं आया समझ में। फिलहाल तो यहाँ बैठेंगे, मैगी बनाएंगे और देखेंगे सनसेट, क्योंकि शाम के बज गए हैं लगभग 5:30। तो सनसेट तो यहाँ से, भीड़ भी नहीं है खैर यहाँ पे, अपन अकेले ही हैं तो उसका भी एक अलग इन्जॉयमेंट रहेगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं, आराम से बैठेंगे। गाड़ी भी हमने भाई चढ़ा दी है ड्यून्स पे ही, ये अपनी गाड़ी आ गई है ड्यून्स के टॉप पर, और माहौल बनाने की फुल तैयारी। मैगी बनाने के लिए भाई चढ़ा दिया भगुना, अभी तक तो उन्होंने लिए नहीं कुछ। हाँ तो भाई 4-5 पीस उनको बोल क्लब को डोनेट करने हैं, मंगा दे। नहीं नहीं, अरे ऐसे तो क्या, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अपने तो हो गया बस, अब अपन कैन लाएंगे। दादा को बोला था विक्रम दादा को, क्या कैन के लिए, तो कैन तो कहीं भी मिल जाता। ये भाई सामने वाले महल से अभी आएंगे हमारे लिए, हाथी भिजवाएंगे हमारे स्वागत के लिए। वो सनसेट का भी टाइम हो गया लगभग। ये भाई हमारी आज की व्यवस्था शाम की, मैगी बनने वाली है, और भाई खुद की बनाई हुई मैगी का तो स्वाद वैसे भी अलग ही आता है ना। वैसे ये मैगी बहुत अच्छी बनने वाली है। हाँ बहुत, इसको मैं देख रहा हूँ। अच्छा आप दूर से देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया। हमने बोला तो था राजा साहब को हाथी भेजने के लिए, उन्होंने भेज दिया ऊंट। चलो कोई बात नहीं, हम तो ऊँट से काम चला लेंगे। आया तो सही ना, क्यों भाई लोगों। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, पब्लिक भी बहुत आ गई है, भीड़ भी हो गई है, और हमारा चलने का टाइम भी हो गया। चलें भाई लोगों, सनसेट और मैगी दोनों ओवर हो चुकी है। चलो चलो चलो, चलने की तैयारी पूरी, प्रोग्राम हो गया चेंज भाई। अब अपन यहाँ निकल नहीं रहे, अभी एक और मैगी बना रहे हैं, और
एक दो घंटे टाइम पास करके फिर निकलेंगे। पिकअप फंस गई भाई इस रास्ते पे जहाँ से हम चढ़ रहे थे, क्रेन बुलाई है इसने खींचने के लिए, लेकिन अपनी वॉल्वो एकदम टना टन चढ़ गई। टायर दिखाओ उसके, टायर देखो उसके, हाँ टायर तो उसके स्लिप मार रहे हैं। पिकअप फंस गई भाई, क्रेन आई है हेड रहा है उससे इसको खींच रहे हैं, टायर घूम ही नहीं रहा इसका, तो रिपटती हुई जा रही है पूरी, ये देखो। मुझे लगता है इसने ज़्यादा उस तरफ काट दी थी, इधर ज़्यादा धंसी हुई है शायद। थोड़ा परली तरफ धीरे धीरे जाने दो, गाड़ी झुक गई है पूरी तरह झुक गई है। भाई गाड़ी चलाते चलाते हमने देखा कि हमारी एक टायर में साइड घिसी हुई है, तो हमने कहा रिस्क लेने की बजाय अपन पहले टायर को उल्टा पलटी करा लें, क्योंकि रात का टाइम है, तो इसलिए अपन रुके हैं टायर आगे के पीछे, पीछे के आगे उल्टा पलटी कराने के लिए। टायर खुलवा दिया भाई, टायर की कंडीशन दिखाता हूँ, देखो तार निकल गए इसके, ये हो गई कंडीशन। भाई बोल्ट की टेंशन मैन्युअली भी चेक करा रहे हैं, क्योंकि पहले एक बार हो चुकी है कहानी, तो इसलिए मैनुअल भी चेक कर रहे हैं कि भाई पूरी तरह से टाइट हो गए कि नहीं हो गए ना, बाई चांस ढीले ना रह जाएं। 10 मिनट लगे अपने को यहाँ पे, बट ठीक है, इसको अपन टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, ये ज़रूरी था। मतलब कैसे हो गया है, मतलब वो उस पे चढ़ा यार, मुंह इधर है जबकि गाड़ी उधर जा रही थी, पूरी पूरी पलटी हुई है यार। इन लोगों की किस्मत वाक्य में, ये देखो इसके हाथ पे हल्की सी लगी हुई है, बस गाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए हैं। सवेरे भाई 3:30 बजे चाय पीने के लिए रुके हैं, और अभी नींद ना आए इसलिए सोच रहे हैं एक चाय तो पी लें। भयंकर एक एक्सीडेंट देखा अभी, गाड़ी पूरी पलटी हुई थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी के भी चोट नहीं लगी थी, दोनों बंदे सेफ थे। गाड़ी तो खैर टोटल डैमेज हो गई, बिल्कुल उल्टी पड़ी थी, बस ये है कि बंदों के नहीं लगी, दोनों सेफ थे, हमने रुक के देखा तो दोनों ठीक थे, तो अपन भी चांस नहीं लें,
नींद वींद ना आ जाए उसके लिए रुक गए हैं, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा और एक चाय पी लेंगे। Hey guys, good morning. वैसे तो टाइम सुबह के 6 बजे हैं, लेकिन मेरे लिए गुड नाइट का टाइम है क्योंकि जस्ट अभी पहुंचा हूं मैं सबको छोड़ के, और आज तो रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट्स मिले, लेकिन ठीक है, भगवान की दया से हम लोग सही सलामत पहुंच गए। गाड़ी चल गई है लगभग 1512 किलोमीटर चल गई है टोटल, गाड़ी पूरी मैंने ही ड्राइव करी जैसलमेर और जैसलमेर से वापसी। तो अभी तो खैर बहुत तेज़ नींद आ रही है, जाता हूँ सोता हूँ और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड नाइट।